गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स विद अस किचन। आप सब लोग कैसे, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ये आइसक्रीम का शेप देकर बनाएंगे एक नाश्ता, वो भी चूड़ा और आलू से। ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो मेहमान के आने पर भी इसे बनाकर खा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा जल्दी भी बन जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, हम ले लिया तीन आलू को हम ले लिया उबाल कर, और यहाँ हम ले लिया चूड़ा। चूड़ा को हम पानी में भिगो कर रख दिया है। उससे पहले हम चूड़ा को अच्छी तरह से धो लिया है, धोकर पानी में भिगो कर रखे ताकि चूड़ा हमारा नरम हो जाए। तो देखिए, आलू को हम अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। देखिए, आलू को मैश कर लिए हैं और उसे हम डाल देते हैं चूड़ा को। चूड़ा का पानी हम निकाल लिए थे, पानी निकाल कर हम चूड़ा अब इसमें डाल देते हैं। देखिए, चूड़ा को हम भिगो कर रखे तो बोल कर ये कितना ज़्यादा नरम हो चुका है। इसमें नमक ऐड कर लेते हैं, धनिया पाउडर। हम धनिया पाउडर ले लिए हैं 1 टीस्पून, और नमक हम ले लेंगे स्वाद अनुसार। आपका जितना चूड़ा और आलू है आप उस हिसाब से सब इंग्रीडियंट्स ऐड कर लीजिएगा। ऐड कर लेते हैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम 1/2 टीस्पून यहाँ ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं लाल मिर्च पाउडर। और सभी को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऐड कर लेते हैं कॉर्नस्टार्च। मिक्स कर लेते हैं। हम जो चूड़ा देकर ये नाश्ता बना रहे हैं उसमें हम कॉर्नस्टार्च इसलिए ऐड किया है ताकि ये जो बना रहे हैं वो थोड़ा सा सख्त हो जाए, वरना बहुत ज़्यादा ही गीला हो गया था और हम इसको कोई भी शेप नहीं दे पा रहे थे। अभी देखिए, आप इसे आराम से गोल भी कर सकते हैं या फिर आपको जो शेप चाहिए आप उस तरह बना सकते हैं। देखिए, हम सभी को मिक्स कर 4 भागों में भाग कर लिए, क्योंकि यहाँ हम ले लिए हैं 4 आइसक्रीम की काठी, तो इसलिए हम यहाँ 4 भागों में भाग किए। और हम सभी को शेप दे देते हैं आइसक्रीम का शेप में। तो एक काठी ले लेते हैं और इस तरह से डो लेकर आइसक्रीम का शेप दे देंगे। तो देखिए, शेप दे चुके हैं। अब यहाँ से हम काठी ढोका देते हैं। तो देखिए, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा हो गया है। और अब इसे हम नीचे रख देते हैं और इस तरह से हम तीनों को बना लेंगे। देखिए, सभी को हम आइसक्रीम का शेप दे चुके हैं। और देखिए, हम पैन ले लिए हैं और उसके ऊपर हम डाल दिए हैं रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल को हम अच्छा से गर्म कर चुके हैं। और इसमें हम एक एक आइसक्रीम को उठाकर डाल देंगे। देखिए, एक पीस डाल दिया है और दूसरा भी हम डाल देते हैं। देखिए, चारों को हम डाल दिए हैं। तो चलिए, अब हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसका दूसरा तरफ लाल हो चुका है। देखिए, सभी को चेंज कर चुके हैं और ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी भी हुआ है, आप सुन सकते हैं आवाज़, सभी क्रिस्पी हुआ है। और ये देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। आप अगर बच्चे को इस तरह से बना कर दें तो वो भी बहुत पसंद से इसे खाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आइसक्रीम का जैसा देखने में लग रहा है। और अगर मेहमान को भी बना कर दें तो वो भी बहुत पसंद कर खाएंगे, क्योंकि ऐसा नाश्ता तो उसने कभी खाया ही नहीं होगा। तो आप इसे ज़रूर एक बार आपको ट्राई करें और बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कर दें और शेयर कर दें, हम मेरे चैनल के साथ इस तरह जुड़े रहें। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, दूसरी तरफ भी हो चुका है और हम इसका किनारा अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए, दोनों तरफ भी फ्राई हो चुका है और ओवन को बंद कर निकाल लेते हैं सभी को। तो देखिए, बनकर तैयार हो चुका है आइसक्रीम का शेप में हमारा नाश्ता। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्रिस्पी भी लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इसे जब एक बार पर ट्राई करें हमें कमेंट पर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और इस तरह नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े।